वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ का, ठीक है जी, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 3 अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्री कंसेंट वाला टॉपिक, ठीक है। फ्री कंसेंट क्या होती है? सो डेफिनेशन ऑफ कंसेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13, टू और मोर पर्संस आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यदि दो पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही बात कह रहे हैं और उसी को उसी सेंस में समझ रहे हैं उसी बात को, तो इसका मतलब वो रजामंद हैं, उनको उनकी मर्जी है एक पर्टिकुलर बात को लेके या एक सिचुएशन को लेके, ठीक है जी। तो पार्टीज आर सेट टू हैव कंसेंटेड व्हेन नॉट ओनली एग्रीड बट अपॉन द सेम थिंग बट आल्सो एग्रीड इन द सेम सेंस। सेंस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। समथिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज होल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेक सम फंडामेंटल एरर्स एज टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन और एज द पर्सन डील्ड with or as to subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon same sense. ये नहीं कहा जा सकता तब कि वो सेम सेंस पे हैं, ठीक है जी। तो गाइज, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 2 पे है, as we know that one of the essential elements of the contract is consent and there cannot be a contract without consent, और बिना consent के agreement हो ही नहीं सकता। consent may be free or not free. Only free consent is necessary for the validity of the contract. Right, students? अब आगे है definition of free consent. Free consent क्या होती है section 14 के हिसाब से, ठीक है guys? तो consent is said to be free when it is not caused by coercion. Coercion होता है, coercion दबाव होता है, किसी को आप परेशान करके दबाव डाल के उसको उसे consent ले रहे हो, that is covered under section 15. Undue influence, आप प्रभावित करके उसको सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली, फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेक्शन 18 में डिस्कस करेंगे, मिस्टेक एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 20, 21 और 22 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो कंसेंट जो है उसकी वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। तो अब हमारा टॉपिक यही है एक एक करके कि इनको कैसे एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब बनता है कोर्शन का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का, ठीक है जी। तो अब हम आगे बात करते हैं, व्हेन एनी ऑफ द अबव हैपेंस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज टू कॉस्ट। तो जिसकी कंसेंट लेनी थी, इसका मतलब उसको दबाव में, क्वेश्चन में, ठीक है जी, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके, कोई मिस्टेक करके या फ्रॉड करके लिया गया, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। व्हेन द कंसेंट इज विशिएट बाई मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ठीक है जी। सो एलिमेंट विशिएटिंग फ्री कंसेंट, कोर्शन। सो कोर्शन क्या है? कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडियस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू एग्रीमेंट, ठीक है जी। जब आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करने अनलॉफुल तरीके से या कोई ऐसा एक्ट जो कि इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है नहीं करना है, या उसको धमकी भी दे रहे हो, तब भी वो कोर्शन में ही आएगा। तो एनालिसिस क्या है सेक्शन 15 का? द सेक्शन डजंट रिक्वायर दैट कोर्शन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर इज इट नेसेसरी द सब्जेक्ट ऑफ द कोर्शन मस्ट बी द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट बाय एनी थर्ड पर्सन वट एवर। फॉलोइंग आर द इसेंशियल इंग्रीडियंट ऑफ कोर्शन, वो क्या है पहले? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, ठीक है जी, फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, ठीक है जी। ये एक तरह के उसके फीचर्स की तरह ही आ गया, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडियस ऑफ द एनी पर्सन वट एवर। तीसरा पॉइंट है इसका, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटरिंग इन टू एन एग्रीमेंट एंड इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज इमटीरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और नॉट इन्फोर्स एट द प्लेस वेयर द कोर्शन इज एम्प्लॉयड
एंड इफेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय क्वेश्चन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेंड। नंबर दो, एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसीशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी रिजेंडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड If he was received any benefit thereunder from the other party to the contract, resort such benefits so far as may be applicable to the person from whom it has been received. ठीक है जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके consequence में जो rescission हुआ है voidable contract का, party को जो उसने रद्द किया है वो उसको जो भी benefit मिला है उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी, A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो इसका, पहला हमने coercion कर लिया, coercion के बाद अब है undue influence। undue influence क्या चीज़ है guys? undue influence है, section 16 के अंडर ये डिस्कस होता है एक्ट में। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है जी, उसके बाद है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। ए क्या है? वेयर ही होल्ड्स अ रियल अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। दूसरा, वेयर ही स्टैंड्स इन ए फिडिशरी रिलेशनशिप ओवर द अदर। सी, वेयर ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिसऑर्डर एंड ओल्ड इलिटरेट पर्सन। ठीक है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। और एनालिसिस क्या है अब सेक्शन 16 का? रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट। Position to dominate the will, a person is deemed to in such a position in the following circumstances: real and apparent authority, master या servant, ठीक है जी, fiduciary relationship, father son, husband wife, solicitor and client, ओके जी। तो ये person है जो उनको influence कर सकते हैं, right? आगे है mental distress भी होती है इससे, और unconscionable bargain आर witnessed most इन मनी लैंडिंग circumstances एंड इन gifts, ओके जी। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक undue एडवांटेज। वो क्या है? When a person is in a position to influence the will of the other in getting consent, must have the object to take the advantage of other। तो कोई advantage तो लेना ही चाहेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसका burden of proof। The burden of proving the absence or the use of dominating position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other. Power to set aside contract induced by undue influence. When a consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so obtained. या कॉस्ट, ठीक है। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्यूटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट मे सीम जस्ट। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या है बेटा? अंडर सेक्शन 17 कवर होता है ये। Fraud means and includes any of the following act committed by the party to a contract with his conveyance or by his agent with an intent to deceive other party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. और पहला point क्या है? पहला point है the suggestion as a fact of what which is not true by one or whom doesn't believe it to be true. Second point, the active concealment of the fact by one having a knowledge or belief of the fact. Number 3, a promise made without any intention to performing it. ठीक है? और 4th, any other act fitted to deceive. Any such act or omission of the law especially declares to be fraudulent. राइट गाइस, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्ट
mere silence to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud unless the circumstances of the case are such that regard being held to them it is duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech okay analysis kya hai section 17 ke वो कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स पहला क्या है देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स नंबर दो द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जी और उसके बाद टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट शुड बी मेड बाय अ नॉलेज ऑफ द इट्स अ फॉल्सिटी द अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड और उनको धोखा हुआ है द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड लॉस ठीक है गाइज सो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे क्या असर होता है इसका फ्रॉड का व्हेन द कंसेंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय द फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन एग्रीव्ड पार्टी के डेफिनेटली डिफ्रॉडेड एंड ही हैज द फॉलोइंग रेमेडीज उनके पास क्या रेमेडीज हैं ही कैन रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall put in a position in which he would have been had the representation made been true. ठीक है जी और अब पॉइंट आगे mere silence is not a fraud. A party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth of the to the other party. Caveat emptor. Let the buyer beware of the rule applicable to the contracts. There is no duty to speak in such cases and silence doesn't amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of the both the parties. और उसके बाद क्या है Silence is a fraud when duty to speak जब ड्यूटी बनती थी बोलने की when the circumstances of the case are such that it is a duty of the person observing silence to speak following contracts comes within this category fiduciary relationship here a person in whom confidence is responded is under a duty to act with the utmost good faith and make full disclosure of all the material facts concerning the agreement known to him b contract of insurance disclosure of all material facts dono parties ke dwara और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एवरी मटीरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स नंबर ई शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सन इशूइंग प्रॉस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स विद इन देयर नॉलेज राइट गाइज और उसके बाद वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच इन द केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस Contracts are not voidable if the party whose consent was so obtained had the mean of discovering the truth with the ordinary diligence. और उसके बाद अब हम अगला point discuss करेंगे ये वाला misrepresentation, right off. चलो आगे हम बात करते हैं misrepresentation की तो इसका मतलब क्या होता है ये covered होता है under section 18 में इसका मतलब है the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true any breach of the duty which without an intent to deceive gain an advantage to the person committing it causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject of the agreement aur analysis kya hai section 18 ka statement of fact which of false would constitute misrepresentation if the maker believe it to be true but which is not justified by the information he possesses right guys
चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं. व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, वो उसको डिसीव नहीं करना चाहता था लेकिन फैक्ट मिसरिप्रेजेंट हो गया. व्हेन अ पार्टी कम्स इवन दाउ डन इनोसेंटली द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर. उसके बाद है लीगल इफेक्ट्स. सो लीगल इफेक्ट्स क्या है गाइज? लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट सेक्शन 19 में जो कवर होते हैं हम उसकी अब बात करेंगे. व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड. सो द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाई फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे इफ यू थिंक फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड ट्रू. राइट गाइज? तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका एक्सेप्शंस क्या हैं इसकी. तो गाइज इसकी एक्सेप्शंस हैं इफ सच कंसेंट वॉज कॉज्ड बाई मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस. राइट गाइज? Fraudulent within the meaning of the section 17, the content is not voidable if the party whose consent was so caused and the means of discovering the truth with the ordinary diligence. Right guys? चलिए अब हम आगे बात करते हैं. Explanation of section 19. A fraud or misrepresentation which didn't cause any consent to a contract of the party, such fraud was practiced. Or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. And section 19, it has already been considered that when consent to an agreement is caused by coercion, under influence, fraud, misrepresentation, though the agreement amounts to a contract, such a contract is voidable at the option of the parties whose consent was so obtained. The party, however, may insist that the contract should be performed and that he should be put in the same position in which he would have been if the representation made have been true. But a person who had the means of discovering the truth and with the ordinary diligence cannot avoid a contract on the ground that his consent was caused by misrepresentation or silence. Without silence amount to fraud. Right guys? Okay, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं मिस्टेक क्या होती है. मतलब अगला जो उसका पॉइंट है, ठीक है, फ्री कंसेंट में एक ये मिस्टेक भी है. मिस्टेक जो 20, 21 और 22 सेक्शन के अंडर कवर्ड होती है. सो मिस्टेक है, इट मे बी डिफाइंड एज एन इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ विच लीड टू द पार्टी टू मिसअंडरस्टूड द अदर. Misunderstand the others. Mistake may be either bilateral or unilateral. Effect of mistake on validity of a contract. Mistake is some unintentional act, omission of or error arising from unconsciousness, ignorance or forgetfulness, imposition or misplaced confidence. It may be of two kind, mistake of law and mistake of fact. So mistake of law kya hoga? A mistake of law doesn't render a content void on as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country. But if the mistake of law is caused through the inducement of another, the contract may be avoided. So mistake of foreign law is excusable and is treated like a mistake of fact. Contract may be avoided on such mistake. ठीक है जी? Mistake of fact. Where the contracting parties misunderstood each other and are at cross purpose, there is a bilateral or mutual mistake. ठीक है गाइस? ये रहा था हमारा ये टॉपिक. ओके, तो यहां पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है म्यूचुअल मिस्टेक के साथ. ओके, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने यहां आपको कवर कर दिए हैं. तो ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. हाँ, एक दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. तो आप यहाँ तक अपने नोट्स पूरे कर लीजिए
और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।